तक भेज रहे हैं, विदेश तक भी भेज रहे हैं। ये बेगूसराय के लिए गर्व की बात है और बेगूसराय के लोग परेशान हो तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए बेगूसराय के लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूं संतोष कुमार। अगरबत्ती वैसे तो पहले आया गया बात था, कुटीर उद्योग का एक उचित माध्यम है ये, लेकिन वर्तमान में बीते दिन तेज प्रताप यादव जी ने इस उद्योग का को कुछ खास बना दिया। सब लोग जानते हैं उन्होंने इसका इश्तेहार देकर इस उद्योग को शुरू किया था, भले वो बृहद पैदाने पर हो, लेकिन बेगूसराय जैसे शहर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 20 साल से इस कुटीर उद्योग में हैं और वो बताना आपको चाहते हैं कि इसके माध्यम से किस कदर आप कम से कम अपना रोटी पानी घर बैठे पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर सकते हैं। मैं पहले अपने चैनल उनका स्वागत करूँ, ढेर सारा कि आप मेहनत करके इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत की जरूरत है, क्या क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति के पास और साधारण रोजगार करने वाले के पास आपने आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। हम 2008 से अमन अगरबत्ती उद्योग पहले अपने हाथों से बना बना कर साइकिल से घूम घूम के बाजारों में बेचा, उससे मेहनत करके आज हम उस प्रोग्राम पर पहुँचे हैं कि मेरे पास में मशीन भी है, मटेरियल भी है और समाज में हम बेरोजगार महिला और युवा को मैं आशा करता हूँ कि वो आकर हमसे सब कुछ मैं उपलब्ध करवा कर देता हूँ और मैक्सिमम 500 रुपया पर डे ऊपर उनकी मेहनत 1000 रुपया तक पर डे कमा सकते हैं इस अगरबत्ती उद्योग से। कमाई कोई विशेष मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि स्वाभिमान को बचाकर आत्मनिर्भर होना, जो कि ये सिखा रहे हैं आपको कि आप खुद मेहनत कर आत्मनिर्भर होकर के आप अपना रोटी पानी का व्यवस्था सुचारू रूप से करते आ रहे हैं जी, जी। तो आप मुझे सीधे तौर पर ले चलिए कि इस अगरबत्ती बनाने का विधि पहले बताइए कि आप कैसे बना, सारा उपकरण रखा हुआ है आपका, जो ये मटेरियल बना है ये किस चीज से और कैसे बना है? अगरबत्ती का ये चारकोल है, कोयला जी, कोयला और वीट पाउडर जी और जॉस पाउडर जी, तीनों को मिलाकर जी, मिक्सचर मशीन है मेरे साइड में जी, उसमें मिलाकर पानी का मात्रा डाल के उसको बनाते हैं। पर्याप्त मात्रा में जो आपके पास विधि है वो सब आप मिलाकर चारकोल बनाते हैं। चारकोल बना के उसको बस मशीन में डालकर मशीन से उसको बत्ती तैयार करते हैं। जब बत्ती की तैयारी हो जाती है तो उसे ड्राई में सुखाओ या धूप में सुखाया जाता है। एक मिनट, मैं चाहूंगा कि जरा आप कारीगर को बुलाएं, इस मशीन को थोड़ा सा चालू हो जाएगा क्या, अभी थोड़ा दिखाइए, क्योंकि आपके पास चारकोल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो अगरबत्ती बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टिक जो पौधाम पर चढ़ा हुआ है, उसके अलावा चारकोल यहाँ रखा हुआ है। इसका कंटेनर है जिस कंटेनर में ये डालते हैं और ये आपको सुचारू रूप से अभी चला करके दिखाएंगे समान प्रक्रिया में कि किस प्रकार से स्टिक वहाँ सेट उन्होंने कर दिया है, पैमाने पर बैठाएंगे जी, बैठाने दीजिए उनको जी। ये संपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, जो मुझे लगता है कि मैनुअली वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मशीन चल रहा है लेकिन जो है मैनुअली उसमें चारकोल लग रहा है स्टिक में। अब जरा दिखाएं इनको कि कैसे अगरबत्ती इनका बन के तैयार हुआ, ये दिखाएं। ये अभी इकट्ठा करके दिखा लीजिए, आप देख समझने की बात है कि समान प्रक्रिया में एक आदमी को मैनुअल शारीरिक रूप से वर्क करके आपके हाथ जो आपके दरवाजे तक जो पूजा पाठ की प्रक्रिया जहाँ तक आप पहुँचते हैं, आप देखें कि वहाँ से बन के स्टिक है और इनका चारकोल है जो कंटेनर में गया, उसके बाद अगरबत्ती निकल के आ रहा है और ये यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके आगे ये एक रॉ मटेरियल हुआ, मतलब सिर्फ एक धूप बत्ती है जिसमें कोई सेंट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, और आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रक्रिया एक डीपी आता है, इसको हिंदी में लोग दाइथल भी कहते हैं जी, वो दाइथल के लेके और सेंट जी उसको मिलाने का प्रक्रिया, एक लीटर में 200 ग्राम सेंट हम डालते हैं जी, 200 ग्राम सेंट डालकर उसको बत्ती में डुबाते हैं जी, डुबा के उसके बाद उसको हम 24 घंटा के लिए उसको ढक कर रख देते हैं, या प्लास्टिक का बोरा हो या कोई बड़ा डब्बा हो उसमें 24 घंटा के लिए बंद कर दिया। हाँ, ये सब जो आपके इनके जो मानक प्रक्रिया है ये आपको तब समझना होगा जब आप इच्छुक होकर के ऐसे व्यक्ति के पास
जो लोगों को आत्मनिर्भर होने का एक उदाहरण दे रहे हैं, इनके पास आना होगा। ये व्यक्तिगत रूप से आप अब मशीन का भी प्रचार प्रसार या देते हैं, डिलीवर भी करते हैं? मशीन भी हम सप्लाई देते हैं जी, और बेगूसराय में भी बहुत सारे आदमी को हम मशीन अभी तक में दे चुका हूँ। मशीन किस प्रकार से देते हैं आप, किसी कंपनी का मशीन है या? हम कंपनी का मशीन देते हैं, वियतनाम से हम मशीन मंगवाते हैं, ठीक है, और वियतनाम से मशीन मंगवा के यहाँ हम सप्लाई देते हैं। तो उसका सर्विस वगैरह सब हम देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जरा आप खुद, आपको मोबाइल नंबर याद है, जरा आप हमारे दर्शक को बताएं अपना नंबर साफ साफ, जो लोग चाहते हैं आपसे जुड़ना वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9262634912, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल नंबर को हम नीचे पैनल पर भी डिस्प्ले कर देंगे, जिसे बार बार आप देख सकते हैं, और आपको यदि लगता है कि वास्तव में आप आत्मनिर्भर भारत की बात सब लोग करते हैं, लेकिन यदि आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो खूब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और ऐसे उद्योग का सहारा लेना पड़ेगा जो छोटे से जगह में, छोटे से स्थान पर, और सामान्य रूप से बहुत पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं है, घर की महिलाएं, बच्चे, जो भी चाहें वो हल्की सी ट्रेनिंग के बाद आप एक घंटा उन्हें बता। हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में फ्री एंड कॉस्ट देते हैं, इसमें हम कोई रुपया नहीं लेते हैं, और एक साल का जो मशीन हमसे जो खरीदते हैं एक साल तक फ्री उनका सर्विसिंग हम देते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी आपने बताया कि आप कुछ आटा चक्की वगैरह इस प्रकार से भी दिखाते हैं। मेजर है ये 3 HP का है, जिसे घरेलू उद्योग में और बिजनेस के भी पर्पज से ये काम करती है। इसे आप गेहूँ पीस लीजिए, मसाला पीस लीजिए, जो भी आप सामान चाहते हैं। हम पापड़ भी बनाने का काम करते हैं, हम पापड़ का बेसन पीस लेते हैं, बड़ी का बेसन पीस लेते हैं, ये सब हम इस मशीन से प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से देखा गया है कि जब आप आटा चक्की को मोटर पर यूज करते हैं तो 5 HP से जो ऊपर का मोटर हो जाता है तो 3 फेस लेना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से लोग घरेलू उपकरण के तौर पर यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका ये मशीन सिंगल फेस है। जो घरेलू जो आमतौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 15 एम्पीयर तक का सॉकेट अवेलेबल है, तो उसमें लेकर के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कितना मतलब गेहूं का जो सामान्य रूप से आटा लोग यदि पीसेंगे तो कितना देर में कितना हो पाएगा? ये घंटा का कंपनी तो 20 KG कहती है, लेकिन गेहूं ये घंटा का 15 KG पीस, ये अपने रूप से आराम से लोग पीसेंगे तो। मसाला घंटा का 8 KG ये पीस। हाँ, ये भी एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो लोग मसाले का उपयोग या मसाले का बिक्री भी करना चाहते हैं तो घरेलू तौर पर इसको घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग जो होता है, लघु उद्योग जो घर में करते हैं उसके तौर पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज ये शुद्ध चीज हम पा सकते हैं। आज जो बाहर से मेरा सामान आता है ब्रांडेड कंपनी का के सामान आता है, वो सामान हम बहुत दिन वो हम पैक। अब जरा आप दर्शक की तरफ मुड़े और मुझे बताएं कि जो बेरोजगार लोग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था है कि आप कहीं से भी वो इसको पा सकें या कर सकें? हाँ, बेरोजगार लोग हैं अभी तो मेरे, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अभी तो बैंक भी सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से कर रही है, वो बैंक में खाता खोलवा लें। अभी तो एक उद्यम रोजगार मेरे मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, जिसमें तो महिला को 50% सब्सिडी भी दे रही है, बिल्कुल, और उसमें अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें और उसमें से अपना लोन ले लें और रोजगार को चालू कर लें। रोजगार को चालू कर लेंगे, आप समझ सकते हैं कि जो उद्यम में मिनिमम जो आपका बजट है उस बजट में इसकी कीमत आप लगभग कितना बता रहे हैं? अप्रॉक्स 20,000 रुपया, मतलब 20,000 रुपया आप लेते हैं और मसाले का 5 से 10 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल लेते हैं, तो आप एक समान रूप से 30-35 हज़ार रुपया, जो कि आज के डेट में निम्न आदमी भी व्यवस्था कर सकता है, उससे अपना रोजगार वो शुरू कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगरबत्ती उद्योग में आपने जरा बताएं कि मशीन और कितने में शुरू कर सकते हैं लोग? अगरबत्ती उद्योग में मैक्सिमम कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपया लगे। मशीन की कीमत कितनी आती है आपके पास? मशीन की कीमत 90,000 रुपया आती है। 90,000 आती है जी सर। और रॉ मटेरियल पूरा आपके पास से मिल जाएगा? हाँ, पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सबसे बड़ी की है कि अगर किन्हीं व्यक्ति को डर लगता है कि मैंने अगरबत्ती बनाएंगे कहाँ बेचेंगे, इसके लिए हम उपलब्ध किए हैं कि वो अगरबत्ती बनावे और 20% के मार्जिन पर उनसे हम अगरबत्ती खरीद लिया करें। सशक्त होने के लिए या अपना पेट भरने के लिए सरकार के तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप यदि चाहते हैं कि आपका राज्य, गांव, शहर विकास करे तो आपको ऐसे मनुष्य को फॉलो करना होगा, इनके साथ चलना होगा जो ये कर रहे हैं, और इनके इन कामों में हाथ से हाथ भी
बटाना होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपने देख लिया एक व्यक्ति पिछले 14-15 साल से मेहनत कर और इस कार्य पर पहुंचे हैं, जो कल घर घर अगरबत्ती पहुंचाते थे आज मशीन पहुंचा रहे हैं।